वर्षा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज महावीर जयंती है इसलिए मैं बना रही हूँ आटे के मीठे गुलगुले। बेहद आसान है और बहुत हेल्दी। आइए बनाते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा आटा। इसमें मैं 4 बड़े चम्मच आटा ले रही हूँ। ये देखिए, ये वाली चम्मच भर के 4 चम्मच मैंने इसमें आटा लिया है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी सौंफ और इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डालूंगी गुड़, क्योंकि हम इसको हेल्दी बना रहे हैं। इसके लिए मैं गुड़ को उबालूंगी पानी में। 4 चम्मच आटे के लिए मैंने लिया है इतना गुड़। ये करीब करीब 2 बड़ी चम्मच गुड़ है। इसको मैं कटोरे में डालकर और इसमें 2 चम्मच पानी डालकर मैं इसको गर्म करूंगी ताकि ये गुड़ पिघल। अब ये गुड़ मैंने आंच पर रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। ये गुड़ अभी पिघल जाएगा और इसका घोल बन जाएगा। देखिए, गुड़ पिघल गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये गुड़ का पानी अब हम आटे में डाल देंगे। ये थोड़ा सा गुनगुना हो गया है, ठंडा हो गया है। अब हमने गुड़ का पानी आटे में डाल दिया है। अब इसको मिला देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच घी। घी या तेल आप कुछ भी डाल सकते हैं। वैसे तो ये गुलगुले घी में बनाए जाते हैं, क्योंकि हेल्दी कुकिंग हो रही है इसलिए मैंने सरसों का तेल ही चढ़ाया है। ज्यादा घी में तला हुआ खाने में डर लगता है। अब इसको हम फेंटेंगे। यही है इसका कमाल। और फेंटना हमेशा एक ही दिशा में है। ये देखिए कैसे फेंटना है, ऐसे। इस तरह हम फेंटते रहेंगे। जितनी देर तेल गर्म हो रहा है उतनी ही देर हम इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे, इस तरह। अगर आपको ये घोल थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध या पानी कुछ भी डाल सकते हैं इसको पतला करने के लिए, बस। और इसको फेंटते रहेंगे जब तक कि तेल गर्म हो रहा है। देखिए, तेल गर्म हो चुका है। अब हमने गैस को धीमा कर दिया है। जब तेल बिल्कुल गर्म हो जाएगा तब हम आंच को धीमा कर देंगे। और क्योंकि इसमें गुड़ है, इसका कलर वैसे ही डार्क है, तो गुलगुले बेहद डार्क चॉकलेटी कलर के बनेंगे। अब हम इसमें छोटे छोटे पुए तोड़ देंगे, गुलगुले। ये बेहद टेस्टी होते हैं और हमारे यहाँ हर त्योहार पर बनाए जाते हैं। इसमें सिर्फ आटा है और सौंफ है, जिससे कि ये डाइजेशन में भी आसान होते हैं। ये वाली मिठाई बच्चे भी खा सकते हैं और आप एक बार बनाइए, 2-3 दिन तक आप आराम से इसको फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। अब इसको उलट पुलट कर हम लोग तल लेंगे और ये डार्क कलर के बनेंगे। ये देखिए, अगर आप इसको आटे को चीनी से घोलते हैं तो इसका कलर बिल्कुल अलग बनेगा और टेस्ट भी। आप दोनों तरह से इसको बना सकते हैं। इसमें चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, चीनी को ग्राइंड करके, और आप गुड़ को बॉईल करके गुड़ का पानी भी इसमें डालकर बना सकते हैं। दोनों ही तरीके से बने हुए गुलगुले बेहद स्वादिष्ट बनते हैं। और ये पूरे बनकर तैयार हैं। और देखिए, ये गुलगुले इतने शानदार बनते हैं, आप किसी भी त्योहार पर इसको बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, है ना आसान। और आटे की रेसिपी जो कि हर एक के घर में होता है, और सौ भी आप लॉकडाउन में भी बच्चों को खुश करने के लिए ये मिठाई बना सकते हैं। अब मैं इनको खाकर दिखाती हूँ। गर्म बहुत है। बहुत गर्म है। गुड़ की मिठास बहुत अच्छी आ रही है। वैसे मैंने इसको चीनी वाले भी बनाए हैं, वो भी बेहद शानदार बनते हैं। अंदर बेहद अच्छी जाली आई हुई है क्योंकि हमने इसको अच्छे से फेंटा था। अंदर तक चिके हैं, लाजवाब। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट का मुझे हमेशा से इंतजार रहता है। बहुत जल्द मिलते हैं वर्षा के साथ।